इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ डुअल सिम वाला आईफोन के बारे में। हाँ, आप सही सुना है, कुछ डुअल सिम वाला आईफोन, क्योंकि दोस्तों एप्पल ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया कुछ आईफोन और इस आईफोन का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है डुअल सिम का। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा पूरी ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा पूरी डिस्क्राइब करूंगा इस आईफोन के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके कलर के बारे में और पूरा डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव, आप देख रहे हैं टेक एडवाइजर टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों आईफोन 10 रिलीज होने के बाद बहुत दिन से बहुत ज़्यादा रूमर और पेटेंट आ रहा है आईफोन के न्यू आईफोन के बारे में, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट एप्पल लॉन्च कर दिया एक नहीं दो नहीं करीबन तीन न्यू आईफोन। और दोस्तों इस आईफोन में आपको लिस्ट में जो पहले नंबर पर आता है वो है आईफोन XS, यानी फिर आप कह सकते हैं आईफोन X का कोई सुपर और स्मार्ट वर्जन भी कह सकता है। दोस्तों देखने में ये आईफोन आईफोन 10 की तरह ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज एप्पल इसके साथ किया है। दोस्तों नंबर वन चीज़ आपको इधर चेंज देखने को मिलता है वो है, इसमें आपको मिलता है 5.8 इंच का जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों एप्पल दावा करता है ये है ऑल का मोस्ट एक्सपेंसिव डिस्प्ले कोई फोन में यूज किया है। दोस्तों इसके साथ साथ जो मेन मेजर आपको देखने को मिलता है डिफरेंट का वो है, इसमें आपको मिलता है एप्पल का न्यू चिप। दोस्तों आप तो ये जानता है एप्पल जब न्यू आईफोन लॉन्च करता है उसके साथ साथ कोई न्यू डिफरेंट थिंग जो इधर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों इधर आपको मिलता है A12 एप्पल का न्यू बायोनिक चिप, और आप सुनकर ये ध्यान रह जाएगी कि दोस्तों ये चिप बना है 7 नैनोमीटर प्रोसेसिंग के साथ, और एप्पल ने ये दावा करता है कि जो आईफोन 10 है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो पर सेकेंड में 5 बिलियन होता था, और इस पावरफुल न्यू चिप के वजह से एप्पल आईफोन XS में इस 5 बिलियन आपको ट्रांसफर के होता है 20 ट्रिलियन। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकता है कितना पावरफुल होने वाला है चिप। दोस्तों आईफोन XS जो होता है ये आपको 3 अलग अलग वर्षन में मिलता है, इसका हर एक का रैम सेम ही है, 4GB रैम है A12 बायोनिक चिप के साथ, लेकिन दोस्तों जो स्टोरेज आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है, एक है 64GB वाला, एक है 256GB वाला और एक है 512GB वाला। और दोस्तों इस आईफोन में आपको देखने को मिलता है ड्यूल सिम का सपोर्ट। और दोस्तों एक जो मेजर चेंज इधर आईफोन ने किया है वो है कि जो इधर जो आईपी रेटिंग है वो IP67 से 68 किया है, लेकिन आप दोस्तों इसके वजह से ये हुआ कि 68 की वजह से आपको दोस्तों इस बार में 1.5 मीटर के जाएगा 2 मीटर तक इसको वाटर प्रूफ आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अभी बात करते हैं कैमरे के बारे में। दोस्तों कैमरा में आईफोन XS में आपको बैक में 12 कैमरा देखने को मिलता है, एक है 12 मेगापिक्सल वाला एपर्चर 1.8 वाला लेंस, उसके साथ साथ आपको सोनी IMX376 का भी ऑप्शन मिलता है, और जो दूसरा सेंसर वो है दोस्तों 12 मेगापिक्सल का 2.4 वाला टेलीफोटो वाला लेंस, और जो पहला लेंस है वो वाइड एंगल लेंस की तरह ही काम कर सकता है। दोस्तों ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको आईफोन 10 में जितने सारे मोड देखने को मिलते हैं इधर सारी मोड आपको मिल जाते हैं, उसके साथ साथ फ्रंट में है वो इस सेम 7 मेगापिक्सल वाला F2.2 का अपर्चर वाला एक फ्रंट कैमरा जो भी आपको पोर्ट्रेट शॉट भी दे सकता है। दोस्तों आईफोन 10 की तरह इधर आपको कोई फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जो फेस आईडी है वो 3D फेसेस का, उसका जो जनरेशन 2 आ गया है। तो एप्पल ने आईफोन 10 के साथ यूज़ किया था फेस आईडी जनरेशन 1, लेकिन दोस्तों आईफोन XS के साथ ये एप्पल ने यूज़ किया है जनरेशन 2, जो और ज़्यादा डिफरेंट और ज़्यादा बेहतर होने वाला है। तो इस फोन में भी आपको वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और इसका जो प्राइस वो स्टार्टिंग होता है करीब करीब 1150 यूरो से। इसके साथ साथ आता है आईफोन XS का बिग वर्जन के, क्योंकि दोस्तों ये होने वाला है वर्ल्ड का मोस्ट बिगेस्ट आईफोन एवर। तो स्क्रीन साइज है 6.5 इंच का, और ये भी आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले की तरह मिलता है, और इसमें भी आपको एप्पल A12 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, और सेम कैमरा सेटअप इधर भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों और एक डिफरेंट है, इधर जो बैटरी है बैटरी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, इधर आपको 3800 mAh की बैटरी मिलता है, और इस फोन में भी आपको वाटर प्रूफ वही IP68 रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग और तरह तरह की अदर्स जो फीचर्स वो आपको मिल जाती है। इधर भी आपको कोई फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है, इधर भी आपको 3D फेस स्कैन को ही देखने को मिलता है। और दोस्तों हमारे जो लास्ट आईफोन है वो आईफोन आप 9 भी कह सकता है, लेकिन दोस्तों एप्पल ने उसका ऑफिशियल नेम अनाउंसमेंट कर दिया वो है आईफोन XR। दोस्तों इसमें आपको सिंगल कैमरे की सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसके खास बात यह है इसमें भी आपको जो है एप्पल बायोनिक चिप A12 देखने को मिलता है। आईफोन 10R में आपको 3GB रैम मिलता है, उसके साथ साथ 64GB इंटरनल, 128GB और 256GB वाला इंटरनल मिलता है। लेकिन दोस्तों इधर आईफोन 10R के साथ
ये बहुत छेड़छाड़ किया है, क्योंकि इसमें बैक में आपको मिलता है सिर्फ सिंगल कैमरा और फ्रंट में आपको वही आईफोन XS के जो फ्रंट कैमरा वो सेम मिलता है। लेकिन दोस्तों इधर जो कलर है वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इधर आईफोन XR के अंदर आपको डिफरेंट तरह तरह के कलर मिलता है। आपको इधर मिलता है ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और कोरल कलर। इस 5 डिफरेंट कलर के साथ ये लॉन्च होने वाला है और उसका जो प्राइस है, प्राइस स्टार्ट हुआ है करीब करीब 850 यूरो से। और जो आईफोन XS मैक्स के बारे में बताया था उसका प्राइस स्टार्ट होता है करीब करीब 1250 यूरो से दोस्तों, यानी फिर 1250 डॉलर से इसका जो बेस वेरियंट हो 64 GB वाला वेरियंट स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये था करीब कुछ नए आईफोन्स के बारे में बात। और इस सभी आईफोन में एक चीज़ कॉमन है, वो है दोस्तों ये सारे आईफोन होने वाला है ड्यूल सिम वाला, यानी फिर आपको ड्यूल 4G वोल्टी का ऑप्शन इधर देखने को मिलता है। ये एप्पल ने बहुत एक अच्छा काम किया बहुत दिनों से बाद। और दोस्तों और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का कह सकता ओपिनियन है कि अगर आपके पास एक आईफोन 10 तो आपको इस अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ दोस्तों इधर कुछ बायोनिक चिप्स और फेस स्कैनिंग दोस्तों चेंज हुआ है, अदर्स जो डिफरेंट टाइप का थिंग्स है वो सभी के सभी सेम रहेगा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको चाहिए एक बिगर डिस्प्ले और विथ A12 बायोनिक चिप के साथ, तो दोस्तों आप ट्रांसफ़र हो सकता है आईफोन XS यानी फिर आईफोन XS मैक्स के साथ। और आपका बजट थोड़ा लो है तो आप जा सकते हैं आईफोन XR के साथ। लेकिन दोस्तों आपके पास है एक ऑलरेडी है एक आईफोन 10, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप अपग्रेड कर ले, क्योंकि दोस्तों आईफोन 10 के साथ इधर थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तो अगर आप मैनेज कर सकता है तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ, उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो। See you in the next video.